हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया, जो आज मुझे WHMCS के बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको WHMCS के बारे में पता होगा, इसके बारे में पिछले ही वीडियो बनाई है। WHMCS एक जो है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, जिसके माध्यम से आप होस्टिंग बिजनेस को रन कर सकते हैं। और होस्टिंग बिजनेस में ही नहीं, आप इसे बिलिंग सॉफ्टवेयर एज ए यूज कर सकते हैं। काफी काफी कमाल की जो है स्क्रिप्ट है ये, जो है जब गाइस मार्केट में नंबर 1 जो है बिलिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अभी यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, मैं जो है WHMCS की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, और इसका जो नया वर्जन 8.7 आ गया है। इसके पिछले जो है वर्जन के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, तो उसके बाद जो है अभी इसका एक नया अपडेट है, जिसमें काफी सारे नए फीचर जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। गाइज, हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि गाइज, अगर इसके ऑफिशियल प्राइसिंग मॉडल के बारे में आप देखेंगे WHMCS की, तो काफी महंगा है गाइज, आपको उसके बहुत सारे जो है रुपए देने पड़ सकते हैं अगर आप इस स्क्रिप्ट को लेना चाहते हैं। लेकिन गाइज, जैसा मैं पिछली बार मैंने बताया था, अगर आप इसे टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, पहले आप चेक करना चाहते हैं, तो बहुत ही चीप प्राइस में आपको कैसे लेना है गाइज। मैंने जो है पिछली बार इसे बाय किया हुआ था, तो इस बार भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे बाय करना है गाइज। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं उस वेबसाइट पर जहां से आपको इसे, तो भाई इसको परचेस करने के लिए सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्विक AI का, OpenAI, ChatGPT, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट चल रही है जो कि काफी, यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे INR लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है इंडियन रुपी लगा लूंगा, तो मुझे जो है बहुत ही सस्ते प्राइस का जो है यहाँ पे पता है। ये देख सकते हैं 299 में आपको सारे ही स्क्रिप्ट यहाँ देख सकते हैं, सारे स्क्रिप्ट यहाँ पर रैंकमैथ का जो ऑफिशियल पेड वर्जन अवेलेबल है। फॉक्स थीम भी जो है WHMCS के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं WHMCS की। तो यहाँ पर देखते हैं आपको तीसरी टॉम है, ये जो लेटेस्ट अपडेट जो है यहाँ पर WHMCS का मिल जाएगा, 8.7.2 जो लेटेस्ट वर्जन है WHMCS का, वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, जिसमें यहाँ पर इसके डिटेल्स दिए गए, और ये जो वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार गाइस हमने जो है शायद 8.6 के बारे में वीडियो बनाया था, तो गाइस यहाँ पर जो अगर आप इसे बाय करते हैं, तो गाइस आपको 50 डेज की वैलिडिटी मिलती है आई थिंक। इसके बाद जो है 50 डेज तक आपको अपडेट मिलता है, तो गाइस हमारे जो है 50 डेज से ज्यादा हो गए, तो इसे मैंने ऑलरेडी फिर से दोबारा बाय करना पड़ा है। ठीक है, और इसे इंस्टॉल करना काफी इजी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताई कि आप इसे कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो। चलिए, मैंने इसे बाय किया, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक जो जिप फाइल मिलती है इस वेबसाइट की तरफ से, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, जिसमें 8.7 ऑफिशियल वर्जन है मेरे पास, तो यहाँ एक आपको जिप फाइल मिलती है जिसमें स्क्रिप्ट होती है, साथ ही यहाँ पे कुछ जो आइटम मिलते हैं, जैसे यहाँ पर एक की मिलती है गाइस, ये ऑफिशियल की नहीं है, आपको बता देते हैं, वेबसाइट पे भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि ये की सिर्फ आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आप जो है WHMCS के ऑफिशियल वेबसाइट से इसे जो है वेरीफाई नहीं करा सकते हैं गाइस। इतने सस्ते में अगर आपको ये मिल रहा है, तो ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए, ये ऑफिशियल की नहीं है, तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्क्रिप्ट अच्छे से वर्क करती है। मैंने जो अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर जो है WHMCS स्क्रिप्ट जो इंस्टॉल की है, काफी स्मूथ तरीके से वर्क करा है, ठीक है, मैंने उसे अपडेट किया है। ठीक है, तो अपडेट करना भी WHMCS को काफी ज्यादा ईजी है, बस आपको करना क्या होता है, पिछली डायरेक्टरी को डिलीट करने होता है, नई डायरेक्टरी को डालना होता है, सिर्फ आपको जो है कन्फिग फाइल को रखना होता है ताकि आप उसे अपडेट कर सकें। ठीक है, बाय करने के लिए सिंपली गाइज आपको इस पेज पे आ जाना है, ये पेज पे आपको बाय नाउ पर क्लिक कर देना है, और सिंपल सा UPI या फिर PayPal के जरिए आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है गाइज यहाँ पर पेमेंट करना। यहाँ पर एक और मेथड है, आप क्रिप्टो करेंसी से भी पे कर सकते हैं, ठीक है, तो गाइज बहुत ही ईजी है इसे बाय करना। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर आपको इस WHMCS के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो आप इन्हें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट में ही पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करें। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ रहे।